हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका सावंत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। तो आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं भरवा मिर्च की बहुत ही चटपटी सी रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं। ये रेसिपी के लिए मैंने ली है मोटी और लंबी वाली मिर्च। इसको हम ऐसे इस तरह से स्लिट दे देंगे और इसके अंदर जो बीज है वो मैंने निकाले नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप ये बीज निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। हम ये बीज इसमें निकाल रख सकते हैं। तब मैंने ये सारी मिर्च कट कर ली है। अब मैंने एक पैन में एक टीस्पून ऑयल लिया है। इसमें हम जाएगा 2 टेबलस्पून बेसन। इस बेसन को हम 2 से 3 मिनट तक ऑयल में भून लेंगे। अब मैं इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल रही हूँ। उसके बाद इसमें जो लम्ब्स रहेंगे वो हम निकाल लेंगे अच्छे से। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ग्रेटेड कोकोनट। मैंने फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसमें फिर जाएगा 2 टेबलस्पून दही। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब इसमें डालूँगी स्वादानुसार नमक। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल दीजिए, क्योंकि एक बार वो मिर्च में चला जाएगा तो कभी कभी कम नमकीन लगता है। अब इस मिक्सचर को मैं इस मिर्च के हम लोग ने जो स्लिट किया था उसमें से मिर्च में ये भर दूँगी। अच्छे से इसमें ये ऐड करते जाना है और इसी तरह बाकी सारे मिर्च भी मैं मिक्सर से भर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को देख के आप ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। देखिए, अभी ये मिर्च सारी हमारी स्टफ़ हो गई है। अब मैंने लिया यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें अब ये जाएगी जो हमने मिर्च भरी भर के ले थी। अब मैं इसको हम इसमें उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें उसे तब तक फ्राई करना है जब तक जो मिर्च है वो सॉफ्ट ना हो जाए दोनों तरफ से, और जो बेसन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा ब्राउनिश ना हो जाए। देखो, अभी मुझे लग रहा है कि अभी ये हो गया है, मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो गई है और बेसन वाला पार्ट भी काफ़ी क्रिस्पी और ब्राउनिश लग रहा है। तो अब हम ये निकाल लेते हैं इसमें से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, आप ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए। ये थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी और थोड़ी नमकीन सी जो रेसिपी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ फीडबैक है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए मेरा चैनल रितिका सावंत किचन। बाय।